वेलकम टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एलिमेंटर के सभी प्रकार के टूल्स, क्या क्या टूल्स होते हैं वो सीखना चालू किया था। और इस ये कंटिन्यूएशन है उस वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो खत्म नहीं हुआ था। तो फिर से चलते हैं हम यहाँ से एलिमेंटर में। एलिमेंटर में हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं, इनर, हेडर, हेडर, हेडर प्रो, गूगल मैप, आइकॉन्स। और उसके बाद ये जो सेंटर का है ये प्रो है, मतलब अगर आप इसे परचेज करेंगे तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन नीचे जनरल में और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल, जनरल बॉक्स क्या है उसमें। तो यहाँ से मैंने इसे ले लिया और मैंने इसे प्लस दबाया और इस जनरल बॉक्स को मैं यहाँ पे डाला। तो अब देखते हैं ये जनरल बॉक्स आप क्या कर सकते हो इसे डिलीट किया। तो ये क्या होता है, एक अच्छा सा आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर इमेज को ड्रॉप कर रहे थे। अगर इमेज के साथ में आपको कुछ टेक्स्ट और कुछ हेडिंग डालना है तो आप इस इमेज बॉक्स को ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक अच्छा सा सिस्टम, ये जिससे समझ लीजिए आपको सर्विसेज डालना है। आप ये तीन कॉलम ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए और आपका इमेज बॉक्स में, इमेज बॉक्स में जाइए और यहाँ पे इमेज बॉक्स डाउन कर लीजिए इसके अंदर, ठीक है। ये इमेज बॉक्स आपका आ गया इसके अंदर। फिर आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे भी आप आपका इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स यहाँ पे भी डाउन कर लोड कर लीजिए। और यहाँ जाइए, यहाँ पे भी आप आपका इमेज बॉक्स डाउनलोड कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, जब आपको यहाँ पे इमेज डालना है आप इमेज जाइए, कोई एक इमेज आप ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ कुछ सर्विसेज में यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैं यहाँ पे SEO गया, SEO सर्च किया, कुछ फटाफट में इमेजेस वहां पे डालता हूं आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पे मैं SEO गूगल सर्च, टेक इट्स टाइम इमेज, चलिए मैं ये एक इमेज को ले लेता हूं ऐसे SEO के लिए, सेव एज। डाउनलोड SEO, ठीक है। दूसरा है ये क्या हो रहा है, ये वेब पेज में डाउनलोड हुआ है, मुझे वेब पेज में नहीं, मुझे JPG में चाहिए। देखते हैं दूसरा कोई इमेज जो JPG में हो। सेव इमेजेस और डाउनलोड SEO, ठीक है, ये SEO JPG इमेज में डाउनलोड हो चुका है। और उसके बाद ऊपर चलते हैं SMO सर्च, या मैं यहाँ पे डालता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, एक काम वेबसाइट डिजाइन, और एक कोई भी इमेज को मैं वहाँ पे ले लेता हूँ। वेबसाइट डिजाइन के लिए क्या ले लूँ, आपको ये ले लेता हूँ, सेव एज, डाउनलोड, ये भी वेब पेज है। कोई कोई ना अपने इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए अलाउ नहीं करते, तब वो आपको वेब पेज में चला जाता है। तो यहां से मैं इसको ले लिया, डाउनलोड में गया और यहाँ पे वेबसाइट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो इमेजेस हो गए और फटाक से मैं एक तीसरा और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया गूगल एड्स, गूगल एड्स, ये मैं मतलब क्या क्या कोर्सेस सिखा रहा हूँ मैं उसका एक आपको सर्विस बना के दे रहा हूँ। आप जो जो सर्विसेस करते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे मैं गूगल एड्स, आप जो जो सर्विस करते हैं वो सर्विसेज को अगर आपको इस फॉर्मेट में डालना है तो आप यहां से कर सकते हैं। मैंने अपलोड किया फाइल साइज,
डाउनलोड, पहले SEO डाल देता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। दूसरे में जाता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा इमेज डाल देता हूँ, वेबसाइट का डाल देता हूँ, डाउनलोड वेबसाइट, वेबसाइट का इमेज डाल दिया। और तीसरे में गया, तीसरे में मैं गूगल एड डाल देता हूँ, अपलोड, इंसर्ट, सेलेक्ट गूगल एड्स। तो ये देखिए, ये मेरी सर्विसेज है। यहां पे मैंने क्या दिया, यहां पे मैं टाइटल दे दूंगा, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। मेरा क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस है। तो मैं यहाँ पे, मतलब आपको सर्विसेज अगर डालना है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि वी डू सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट टू रैंक इट ऑन गूगल। ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। फिर ये दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये है वेबसाइट डिजाइनिंग वेबसाइट डिजाइनिंग। तो यहां पे आप लिख दीजिए वी डू ऑल काइंड्स ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। और यहाँ पे आप आ जाइए, फिर यहाँ पे गूगल एड्स, गूगल एड्स, और यहाँ पे लिख दीजिए वी डू गूगल एड्स फॉर योर बिजनेस। बहुत ही आसान। और ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद आप ये जो टाइटल है, अगर इसको आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है क्या कलर चेंज करने का, ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको देखिए यहाँ से स्पेसिंग देना है, थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा करना है तो आप कर सकते हैं। आपको जो भी इमेज है उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसको फिर आप थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। नॉर्मल सी एस एस कैपेसिटी, ट्रांजेक्शन कैपेसिटी, एडवांस एडवांस, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है इसको चेंज करने का, कलर चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। डायनेमिक टैग्स, ओके, यहाँ पे आप इसको ना लिंक भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई इसको क्लिक करके किसी पेज पे जाए। तो जैसे मेरा यहाँ पे एक होपलैंड तो यहाँ पे आप उसका लिंक भी डाल सकते हैं। और ये जो इमेज है, आप इसको लेफ्ट में इस तरह से रखना चाहते हैं सभी को, तो आप उसको उस हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पे वो भी ऑप्शन है। अगर सारे इमेजेस को आप इस तरह रखना चाहते हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं, या अगर आप सेंटर में रहना चाहते हैं तो आप सेंटर में इसको रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और ये जो टैग है, अगर इनको आप थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको H1 कर लीजिए। ये देखिए H1 अच्छा लग रहा है, H1 अच्छा लग रहा है, और H1, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्विसेज आप आपके हिसाब से लिखिए। और दूसरा जैसे SEO, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको कोई क्लिक करे तो एक पेज पे पहुंच जाए,
तो आप इसको लिंक कर सकते हो, यहाँ से उसका हाइपरलिंक डाल दीजिए। ये जो भी इसको क्लिक करेगा वो एक पेज पर पहुंच जाएगा। तो आप इन सारे एसईओ का एक पेज बना लीजिए, वेबसाइट का एक पेज बना लीजिए, मतलब आपकी जितनी भी सर्विसेज है उन सर्विसेज का एक एक पेज बना लीजिए और आप उसको वहां पे लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम इसको अपडेट कर देते हैं और इसके ऊपर मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं। मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं यहां पे हेडिंग डालता हूं आवर सर्विसेस। ठीक है, और इसको सेंटर में लेता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, इसको H1 करता हूं, इधर आता हूं और यहां से इसको मैं कलर देता हूं और यहां पे टाइपो में जाके मैं इसको इसके ये कर देता हूं। और मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं और यहां पे देखिए स्पेस नहीं है तो यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेसर ले लेता हूं जिससे वो अच्छा लगे स्पेसर, और ये मैंने स्पेसर डाल दिया। तो ये इस तरह से आपका सर्विसेज आ गया है। और अगर जैसे 3 से ज्यादा और भी सर्विस है तो आप एक बहुत अच्छा मैं आपको आइडिया बता रहा हूं डबल मेहनत करने से बचने के लिए, तो आप यहां पे वापस ये क्लिक करके इमेज बॉक्स नीचे मत डालिए। आप क्या कीजिए, ये देखिए यहां पे आप यहां पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट। आप क्या कीजिए, ये देखिए यहां पे सेंटर में जो 6 डॉट है वहां पे राइट लीजिए और डुप्लीकेट कर लीजिए। तो देखिए नीचे सेम वही चीजें नीचे आ गई। अब आपको करना क्या है, आप सिर्फ जाइए इमेज चेंज कीजिए, इसका टाइटल चेंज कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेंज कीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका हम बैकग्राउंड नहीं, कलर चेंज नहीं कर पा रहे और कलर चेंज करने का ऑप्शन यहां पे नहीं आ रहा है। हमने इसको लिंक डाला था कॉपी अपडेट, तो कलर का ऑप्शन हो सकता है शुरुआत में हो। चलो हम इसको बाद में कलर का हम आपको ऑप्शन बाद में देख लेंगे। तो अभी देखिए आपकी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है, आपने सारे सर्विसेज ऑन कर दिए, अभी आपको वेबसाइट देखना है तो ये इस तरह से दिख रहा है। देखिए ये देखिए सर्विसेज इस तरह से दिख रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कलर दे पाऊं तो ये मुझे और भी देखेगा। और दूसरी बड़ी बात ये देखिए यहां पे मैं माउस लेके जा रहा हूं तो ये मुझे लिंक दे रहा है, मतलब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिए मैं एक पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से आप आपके सारे सर्विसेज को यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले इसकी तरफ, मैं इसको रहने देता हूं, मैं प्लस करता हूं यहां से ये करता हूं और मैं पहला आपको मैंने इमेज बॉक्स सिखा दिया। अभी आइकॉन बॉक्स क्या होता है, आइकॉन बॉक्स भी सेम इसी के जैसा होता है लेकिन इसमें आप इमेज, इसमें आपने इमेज डाला है, इमेज की जगह पे इसमें आपको आइकॉन्स डालने रहते हैं, तो मैं वो आपको दिखा देता हूं। तो इसको मैं काम करता हूं, इसको 2 इसमें ले लेता हूं 2 फ्रेम में और यहां पे चलते हैं आइकॉन बॉक्स। आइकॉन बॉक्स मैंने डाला, ये देखिए इसमें कैसा था, सेम देखिए वैसा ही है, सेम वैसे सर्विसेज आप आइकॉन बॉक्स यूज करके भी डाल सकते हो, सेम वैसा ही है लेकिन इसमें क्या है, स्टार है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो स्टार है इसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है, आप यहां पे जाइए और जितने भी आइकॉन्स है अलग अलग टाइप के, आपको कौन से आइकॉन चाहिए, आप आपके बहुत लोग है ना सर्विसेज जब लिखते हैं तो उसमें आइकॉन्स यूज करते हैं, तो आप उन आइकॉन्स को ले सकते हैं यहां से। ये देखिए एक आइकॉन आ गया। अब इस आइकॉन को आपका कलर, इसमें देखिए थोड़े से फीचर्स हैं आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वापस आप इसको हाइपरलिंक कर सकते हैं, इसको अगर आप लेफ्ट में डालना चाहते हैं तो लेफ्ट में, राइट में डालना चाहते हैं तो राइट में, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। यहां से इसका साइज आप H1 H2 की क्या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा इसमें और थोड़ा फीचर मिलेगा कि इसका व्यू आप कैसा करना चाहते हैं, ये देखिए स्ट्रैक्ट, ये आपको मस्त अच्छा खासा सर्कल में मिल गया।
अगर आप फ्रेम करना चाहते हैं तो ये फ्रेम में आ गया, और फ्रेम में अगर स्क्वायर चाहते हैं तो स्क्वायर आएगा, सर्कल चाहते हैं तो सर्कल आएगा, और स्टैक में कैसा है कि एक अंदर बैकग्राउंड कलर मिल जाता है। और अगर आप स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में प्राइमरी कलर में जाते हैं, अगर आप इसको कुछ कलर देना चाहते हैं तो देखिए कितना सुंदर आप इसको कलर दे सकते हैं, आपका मन चाहा कलर आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कलर वगैरह का ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने इमेज लिया, लेकिन यहाँ पे CSS फिल्टर, ब्राइटनेस, सिचुएशन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली, कलर का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। एडवांस मोशन इफेक्ट का है, बैकग्राउंड में जाते हैं, चलो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नॉर्मल, बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे देखते हैं, इमेज ले रहा है मेरे को बैकग्राउंड, इसके आपके पूरे जो अंदर का बैकग्राउंड है उसको आप चेंज कर सकते हो। चलो कुछ तो यहाँ पे है ऑप्शन कि आप अंदर का जो पूरा बैकग्राउंड है वो आप यहां से चेंज कर सकते हो, ये देखिए, तो उस हिसाब से आप अंदर के पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक, बॉर्डर, बॉर्डर आप इसको अगर बॉर्डर देना चाहते हो तो चलो एक अच्छा है कि आप इसको बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर टाइप सॉलिड, मतलब कि ये देखिए मैंने बाहर क्लिक किया है तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर का कलर कलर वगैरह भी ले सकते हो आप, बॉर्डर ये देखिए, ये देखिए बॉर्डर आ गया, कितना अच्छा सा बॉर्डर आ गया। और बॉर्डर का कलर अगर आप देना चाहते हो तो आप एक बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो, वेरी गुड। मुझे टेक्स्ट का कलर एक्चुअली चेंज करना था तो उसको छोड़ के बाकी सब मुझे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है मिल जाए, बॉर्डर के बाद एट्रीब्यूट विथ पोजिशन रिस्पॉन्सिव एट्रीब्यूशन कस्टम CSS नहीं, मोशन इफेक्ट मालूम है ना, मोशन इफेक्ट मतलब कि ये लेफ्ट टू राइट होके आएगा, आपको किस तरह का इमेज चाहिए, ये फेड ऐसे ऐसे जूम करके आएगा ये, तो वो सारा आप ऑटोमेशन यहां से दे सकते हो। तो इस हिसाब से आप सारे जो आपकी जितनी भी सर्विसेज है, जैसे अब ये है इसमें मुझे बॉर्डर देना है तो फिर से मैं इसमें गया और यहाँ पे जाके मैंने फिर से मैं एडवांस में गया और बैकग्राउंड में गया और वहाँ पे मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया और बॉर्डर में मैंने सॉलिड किया और यहाँ से मैंने इसको ये देखिए इसको सॉलिड किया और बैकग्राउंड का कलर मैंने क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको सबको देना है तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। देखिए डिजाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको अंदर थोड़ा सा जाना होगा और आपको समझना होगा, बिना समझे आप नहीं कर सकते। कलर दे दिया तो ये देखो तीनों के तीनों यहाँ पे हो गए। अब क्या हो रहा है कि ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, मैं स्टाइल में गया और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से देखिए इसके साइज का कर दिया, तो अभी क्या होगा तीनों एक इक्वल साइज के लगेंगे तो अच्छे अच्छे लगेंगे, ये देखिए। लेकिन इसमें इसका बॉर्डर इसको मैंने क्या बॉर्डर दिया है, ये देखिए बॉर्डर में गया, इसको मैंने बॉर्डर दिया है 4, तो मैं इसको भी बॉर्डर दूंगा 4, नहीं तो ये भाई भाई नहीं लगेंगे, मतलब एक जैसा सिक्वेंस नहीं आएगा इसमें बॉर्डर, इसको इसको 4 बॉर्डर, इसको भी 4 बॉर्डर है, लेकिन इसका जो ये है सॉलिड है और इसको 3 बॉर्डर मैंने दिया और इसको भी मैं चलो 4 दे देता हूँ, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा बॉर्डर, और इसको भी मैंने 4 दे दिया, तो ये चारों एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ से मैं ऊपर वाले पे गया और ऊपर वाला मैंने डिलीट मार दिया और इसको मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, तो ये देखिए ये एक सुंदर सा यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था तो आइकॉन में यहाँ पे आप फिर से इसको हाइपरलिंक दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको क्लिक करके कोई कहीं पे जाए इसको हाइपरलिंक दे दीजिए, इसका जो हेडिंग है आपको वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डायनेमिक कंटेंट, कंटेंट मोर पर्सनलाइज, मतलब कि अगर आप प्रो यूज करते हो तो यहाँ से आप इसके हेडिंग को चेंज कर सकते हो, इसके और भी इसमें सेटिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको
प्रो यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम लोग फ्री वाला यूज कर रहे हैं और यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को यूज करके हेडलाइन को यूज कर दीजिए। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, आप स्टाइल में जाइए, स्टाइल में जाके अभी प्राइमरी कलर क्या है, ब्लू है, ब्लू है पानी पानी। आप अगर इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर को चेंज कर दीजिए। उसके बाद स्पेसिंग, यहाँ पे देखिए ये आइकॉन के बीच में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस दे दीजिए, और आइकॉन के साइज को कितना बड़ा रखना चाहते हैं आप, वो हिसाब से आप आइकॉन के साइज को रख दीजिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप वेबसाइट बना रहे हो या डेस्कटॉप पे बना रहे हो, ठीक है, मोबाइल में आपका वेबसाइट कैसा देखना है उसके लिए आप नीचे देखिए, ये कंप्यूटर का एक बटन है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको तीन ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अगर मोबाइल में आपका वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आपका आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मेनू दिखेगा, ये आपका डिस्टेंट फाइट ये, तो ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये सर्विसेज वगैरह इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए मुझे मोबाइल पे मेरे जो सर ये है अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मोबाइल में डिजिटल इंफाइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और मोबाइल व्यू के लिए मैं इसको थोड़ा सा टाइपोग्राफी पे जाऊंगा और इसके साइज को थोड़ा सा अलग कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दो लाइन में रहे, डिजिटल इंफाइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं मोबाइल व्यू के लिए मैं थोड़ा सा ये जो है वो चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो मोबाइल व्यू के लिए मैं अगले वीडियो में थोड़ा चीज और चीज आपको बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक अलग है। तो मैं वापस चलता हूँ टैबलेट पे, डेस्कटॉप, तो ये आपकी सर्विसेज आ गई, आपका आइकॉन आ गया, आइकॉन को मैं यहाँ डिलीट मारता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट सर्विस पे। दो हमने जनरल में सीख ली है, फिर है स्टार रेटिंग। आप अगर यहाँ पे स्टार डालना चाहते हो मतलब रिव्यू डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टार्स दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है किस तरह का स्टार दिखाना है, और ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप कुछ टाइटल डालना चाहते हो कि रिव्यू अस, तो आप ये सब कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टाइल में जाके आप इसके टाइपोग्राफी में जाके जो इसका साइज है वो सारी चीजें चेंज कर सकते हो। चलो ठीक है, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते, मैं फटाफट आपको एक एक चीजें बता दे चाहता हूँ कि कौन सी चीजें आप किस जगह पे यूज कर सकते हो। तो उसके बाद मैं चलता हूँ, मेरा जनरल हो चुका है, स्टार हो चुका है, फिर इमेज कर्सर। या ये क्या है कि आपको अगर बहुत सारे इमेज एक साथ डालने हैं और आप चाहते हो कि वो इमेज स्लाइड होते रहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए मुझे तीन फ्रेम को लेता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे हम चलते हैं इमेज कर्सर की तरफ, किधर गया जनरल, ये आ गए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक इमेज ले लीजिए, इमेज कर्सर को मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, आप यहां से एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये मतलब मैं आपको दिखाने के लिए एक इमेज यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, और ऐड गैलरी मैं यहां से ना कुछ इमेजेस ले लेता हूं स्क्रॉल होने के लिए, और यहाँ पे DI कौशल SEO और ब्रांड, इस तरह चार इमेजेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ये देखिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको मैं डिलीट मार देता हूँ और यहाँ से इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। तो ये देखिए, ये चार इमेज ऐसे दिखेंगे और यहां से देखिए आपको ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। तो ये क्या होगा, स्क्रॉल होते जाएगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेसर दे देता हूँ, बीच में काफी कम जगह है तो यहाँ पे मैं इसको स्पेसर दे देता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस दे दिया और यहाँ पे देखिए अपने आप ये स्क्रॉल हो रहा है। तो इस हिसाब से आप चार इमेजेस
या उससे ज्यादा इमेजेस आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ, एक आध दो इमेज और ले लेता हूँ मैं ऐड गैलरी में। ये एक इमेज ले लेता हूँ ऐड गैलरी, एक और इमेज ले लेता हूँ, मतलब मैं मेरे पास जो इमेजेस है उन्हीं इमेजेस को मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए, और इंसर्ट गैलरी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, और जब आप इसको अपडेट कर दोगे और आप प्रीव्यू में जाओगे तो एक स्लाइडर इमेज की तरह आपको ये दिखेगा, जो कि बहुत पावरफुल टूल है, बहुत लोग इसे इस तरह से यूज करते हैं। ये देखिए हमने इसको फीडिंग का एनिमेशन दिया था, इसलिए ये ऐसा आ रहा है, और आप जैसे नीचे जाएंगे ये देखिए, ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, माउस से हो रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स है, स्लाइड शो डिफॉल्ट, तो कितने सेकंड के बाद स्लाइड शो हो वो आप यहाँ पे 3 कर दीजिए, स्लाइड टू स्क्रॉल होना चाहिए यस, और इमेज स्ट्रेच, आपका इमेज स्ट्रेच होना चाहिए नो, नेविगेशन लिंक, मीडिया फाइल कस्टम नहीं। तो ये सारे फीचर्स है यहाँ पे, इसको मैंने फिर से अपडेट कर दिया और देखते हैं कि यहाँ पे ये कभी कभी ये स्क्रॉल नहीं होता और कभी कभी ये स्क्रॉल होता है। तो यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है और ये मैंने उसको 3 नंबर दिया है, ये देखिए 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है। तो 3 सेकंड की जगह पे मैं यहाँ पे इसको 1 सेकंड कर देता हूं, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आप आप यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप इसे डाल सकते हैं कि ये सर्विसेज हम देते हैं, या ये हमारे क्लाइंट हैं, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं कि दीज आर आवर क्लाइंट, तो आप उसको उस हिसाब से उसको स्क्रॉल कर सकते हैं कि दीज आर आवर क्लाइंट करके यहाँ पे सिंगल। अच्छा आप ये ऑप्शन है कि आप कितने इमेजेस दिखाना चाहते हो, सॉरी तो वहां पे अभी 3 इमेज दिखने लगा था। देन इमेज साइज, इमेज का साइज अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से मीडियम कर लीजिए, मीडियम थोड़ा सा अच्छा लगेगा यस। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ, ऐड यहाँ पे मैं कर देता हूँ आवर क्लाइंट, आप वेबसाइट पे देखते होंगे कि लोग वहां पे आवर क्लाइंट लिख देते हैं और बहुत सारे कंपनीज के लोगो डाल देते हैं, तो उस तरह से अगर आपको करना है तो ये आप कर सकते हो। ये देखो आवर क्लाइंट्स H1, इसको लिया सेंटर में, स्टाइल में गया, ट्रैफिक में गया, इसका हमने कलर रेड कर दिया क्योंकि हमने सब जगह कलर रेड किया है, यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, तो ये हो गया आवर क्लाइंट्स। इसका फॉन्ट का जो साइज आप रखेंगे, ध्यान रखिएगा कि आपका सारा जो इस फॉन्ट है जो साइज के हैं उन्हीं साइज को आप रखिएगा, ये 48 है तो नीचे वाला भी 48 रखिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि वो अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में, तो इसको भी आप 48 कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आवर सर्विसेज बन चुका है, आवर क्लाइंट बन चुका है। तो स्लाइडर इमेज बहुत बार आप आवर क्लाइंट्स, आवर पेशेंट्स, आवर किसी भी चीज को आप ये इसमें यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आवर क्लाइंट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से कुछ इशू है, ये आवर क्लाइंट अभी भी ब्लू कलर का छोटा सा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे अपडेट कर दिया है, थोड़ी देर में हो जाएगा। इसमें देखते हैं और क्या ऑप्शन है यहाँ से, यस इसके बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हो। तो ठीक है चलते हैं नेक्स्ट फ्रेम की तरफ, तो इसके साथ हमारा वेबसाइट भी रेडी होते जा रहा है। यहाँ पे मैं फिर से गया और मेरा हो चुका था इमेज कर्सर, हमने ले चुका था, अब है बेसिक गैलरी आइकॉन लेस काउंटर, तो चलते हैं बेसिक गैलरी लेते हैं। बेसिक गैलरी क्या है, ये बहुत सारे इमेजेस को आपको एक साथ दिखाएगा। देखिए कभी कभी गैलरी में हम 8-10 इमेजेस हम एक साथ दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने प्लस लिया और मैंने यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, इसको हेडिंग ले लिया और इसको क्या नाम दिया मैंने, इसको नाम दे दिया फोटो गैलरी। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका फोटो
गैलरी या इंस्टीट्यूट मेरा जो है उसके कुछ फोटोज हैं तो उसको मैं फोटो गैलरी में यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया, इसको H1 दिया, इसको सेंटर अलाइन दिया, इसको स्टाइल में गया, यहाँ पे कलर टेक्स्ट का कलर रेड लिया और ट्रैफोग्राफी में गया, यहाँ से मैं इसको 48 कर दिया, ये देखिए 48 कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। फिर मैं गैलरी में गया, फोटो जो हमने अभी इमेज गैलरी लिया था उसमें मैंने यहाँ पे आपको फिर से बहुत सारे फोटोज को क्रिएट ऑडियो प्लेलिस्ट, क्रिएट वीडियो प्लेलिस्ट, यहाँ पे अपलोड फाइल्स 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 इमेजेस को लेके क्रिएट फोटो गैलरी। यहाँ पे आप इसको नाम डाल सकते हैं, जैसे राहुल, यहाँ पे मैंने डाल दिया मनोज। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से आपके फोटोज डाल सकते हैं। ये मैंने दे दिया अन्ना, ये मैंने नाम दे दिया कौशल, ये नाम दे दिया मैंने पांडे। तो इस हिसाब से इसको इंसर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से इमेज गैलरी हो गया। ये मैंने ये 4 और 2 6 अच्छा नहीं लग रहा है, 2 और ले लूँ अगर मैं तो वो अच्छा लगने लगेगा। तो मैं फिर से यहाँ से ऐड टू गैलरी में गया और एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, देखते हैं। तो यहाँ से तो अभी 2 2 4 2 6 2 8 इंसर्ट गैलरी, तो ये 8 आ चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4 8। अभी ये मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, इसको एंटर मारता हूँ। तो ये क्या है आवर क्लाइंट्स, ये क्या है फोटो गैलरी। ये देखिए कितना सुंदर ये फोटो गैलरी लग रही है। आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ जो नेविगेशन मेनू है यहाँ पे आप गैलरी करके, जैसे ये गैलरी है, ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये गैलरी है, मुझे गैलरी के अंदर ये सारे इमेजेस, होम पेज है। अभी मैं देखिए, आप होम पेज पे सब नहीं दिखा सकते, ठीक है। यहाँ पे फोटो गैलरी मेरे पास, यहाँ पे समझ लीजिए मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस है और मेरे पास कम से कम 600-700 फोटोज है पेशेंट के, ठीक है। वो सारे फोटोज मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 8 अच्छे फोटोज दिखाऊंगा और बाकी सारे जो फोटोज हैं वो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसके अंदर दिखाऊंगा, इसके अंदर वीडियो गैलरी दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं फोटो गैलरी दिखाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं गैलरी में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको कस्टमाइज में जाना है, आपको डैशबोर्ड में जाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में गया, यहाँ पे मैं क्या कहाँ जाऊंगा, मैं पेजेस में जाऊंगा, पेजेस में ऑल पेजेस, और जो गैलरी का पेज है उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं एडिट करूंगा, एडिट विद एलिमेंटर जाऊंगा और उसके अंदर मैं जो इमेज गैलरी का एलिमेंटर का टूल है वो मैं डालूंगा और सारे मेरे इमेजेस जो भी मेरे पास 100 150 200 700 जो भी इमेजेस है उसको मैं वहां पे डाल दूंगा। ये देखिए बहुत ही आसान है। तो जैसे ही कोई बंदा गैलरी को क्लिक करेगा वो मेरे इस पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए कितना आसान, मैंने इसको ये लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं उसका नाम क्या था, गैलरी, बेसिक गैलरी, यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने मीडिया, तो जितने भी मेरे फोटोज है मैंने सारे फोटोज को यहाँ पे क्लिक किया। मैं आपको, आप आपके हिसाब से फोटो ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इधर गया, यहाँ पे मैंने दे दिया, और यहाँ पे पेशेंट्स फोटो करके मैंने डाल दिया। या जो भी है आप आपके हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिए। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, अब देखिए मैजिक क्या होता है।
तो यहां से मैं मेरा वेबसाइट पे गया, यहां पे मैंने वेबसाइट डाला, अब मेरा जो गैलरी का पेज है, मेरा जो गैलरी का पेज है वो बन चुका है। और जैसे ही कोई इसको क्लिक करेगा तो मेरे गैलरी के पेज पे जाएगा और मैंने उसमें जो एडिट किया ये देखिए वो इस तरह से दिखने लगेगा। अभी क्या हो रहा है कि गैलरी के पेज में राइट साइड में ये साइड बार का दिख रहा है क्योंकि मैंने फुल विड्थ करना भूल गया हूं। तो वापस मैं यहां पे जाऊंगा, ये मेरा हो चुका है, मैं इसको एग्जिट डैशबोर्ड कर दूंगा और यहां से मैं गैलरी के पेज पे फिर से आ जाऊंगा और राइट साइड में मैं जाके एलिमेंटर फुल विड्थ यहां पे है और यहां पे आप गैलरी सेलेक्ट कर दीजिए। यहां पे ऑलरेडी एलिमेंटर फुल विड्थ है पर पता नहीं क्यों, इसको मैं अपडेट कर देता हूं और यहां से मैं इसको पब्लिश कर देता हूं, ठीक है। और यहां से देखिए कंटेंट लेआउट है, यहां पे आपको 100% फुल विड्थ करना है, 100% फुल विड्थ। अब आप इसको देखिए और यहां पे मैं फिर से जाता हूं गैलरी में और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां से नहीं हो रहा है ये, एक सेकेंड में यहां से साइड बार को मैं दे देता हूं, पता नहीं लेफ्ट साइड बार फुल विड्थ करता हूं, एक सेकेंड अपडेट गैलरी, ये किसी वजह से जा नहीं रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको डिटेल में यहां पे ऑप्शन आता है नो साइड बार करके, वो आ नहीं रहा है। तो एलिमेंट ऑफ फुल विड्थ है यहाँ पे, मैं किस पे हूँ, ओह सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं होम पेज पे हूँ यहाँ पे और मुझे गैलरी के अंदर जो एडिट करना है वो गैलरी के अंदर करना है, आई एम सॉरी। मैं यहाँ से ये इसको मैं गैलरी कर दिया था, इसको नो पेरेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ से मुझे इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से मुझे जाना है गैलरी पेज के ऊपर, आई एम सो सॉरी, पेजेस ऑल पेजेस, और जो गैलरी है गैलरी को एडिट करना है और इसे मुझे एडिट फुल विड्थ करना है। जब भी आप कोई पेज बनाइएगा, नया पेज बनाइएगा, उसे उसी समय, ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट है, उसको उसी समय फुल पेज कर दीजिएगा तो आपको ये इश्यू आएगा ही नहीं। तो ये देखिए फुल विड्थ हो गया और यहाँ पे मेरा मैंने 4 4 8 यहाँ पे एक इमेज और ले लीजिए तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस में आ जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ एलिमेंटर गैलरी में, तो यहाँ पे ये होम पेज है तो इसमें गैलरी आवर क्लाइंट्स ये हो चुका है और अभी हम फिर से चलते हैं होम पेज पे, हम होम पेज ड्राफ्ट कर रहे थे, होम पेज पे चलते हैं और एडिट विथ एलिमेंटर। तो फिर से हम हमारे होम पेज पे आ चुके हैं और ये गैलरी में देखते हैं और कुछ ऑप्शंस है क्या, चार आपको कितने यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स है, अगर आप चाहते हैं आपको 3 ही कॉलम आप लेना चाहते हैं तो 3 कॉलम ले लीजिए, 3 कॉलम में क्या होगा इमेज थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका मिसिंग ना हो, आप सारे इमेजेस ले लीजिएगा जिससे वो सुंदर लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से एक और इमेज को ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे वैसे मेरे जितने भी इमेज थे सारे इमेजेस मेरे सेलेक्ट हैं, कोई इमेज बचा नहीं है, तो फिर भी मैं यहाँ से एक इमेज देखता हूँ कोई है क्या, मैं ये इमेज को डाउनलोड करता हूँ, ऐड टू गैलरी करता हूँ और इंसर्ट गैलरी। तो ये देखिए ये अभी भी एक मिसिंग है,
कहाँ गया वो, अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, इमेज, ऐड टू गैलरी, दो बार आ चुका है वो, इंसर्ट, चलो ये इमेज को मैंने दो बार ले लिया, ठीक है। फिर मीडिया फाइल, अटैच फाइल, आप आपके हिसाब से यहाँ पे देखती है आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर स्पेसिंग है, बॉर्डर टाइप, अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो, फिर अगर सबको अच्छा बॉर्डर दे सकते हो, ये देखिए डबल बॉर्डर, अलग अलग ऑप्शन, डॉटेड बॉर्डर, आपको जैसा लगे कि आपको अच्छा लग रहा है आप वैसा बॉर्डर दे दीजिए, और यहाँ से आप इसके बॉर्डर को कलर कर दे सकते हैं, कौन सा कलर देना चाहे वो दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, और अगले वीडियो में एलिमेंटर के और भी जो टूल्स हैं वो हम देखते हैं। एलिमेंटर में सारे टूल्स आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं, बिकॉज ये टूल्स ही है आपको जो अच्छे वेबसाइट डिजाइनिंग में लेके जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।